आज गुरुवार को आगर के कानड़ थाने में जनपद सदस्य जयसी गुरासिया को जमीनी मामले में बयान के लिए थाने में बुलाया था, जहां पर कानड़ थाना प्रभारी संगीता शर्मा और जनपद सदस्य के बीच बयान दर्ज कराने पर किसी बात को लेकर आपसी विवाद हो गया, जिसके बाद देखते ही देखते थाने पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। आपको बता दें कि कई देर तक हुई इस नोकझोंक में जनपद सदस्य ने प्रभारी के माथे आत्महत्या करने की बात तक कह डाली, जिसके बाद करनी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कानड़ थाने का घेराव किया, जिसके पश्चात करनी सेना के पदाधिकारियों ने आगर एसपी राकेश कुमार सगर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि कानड़ थाना प्रभारी संगीता शर्मा को उनके पद से तत्काल हटाने की कार्यवाही की जाए, अन्यथा करनी सेना पूरे जिले में विरोध प्रदर्शन करेगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जनपद सदस्य ने अपनी 16 बीघा जमीन आगर के इजाज खान को दी थी, जिसमें आधी राशि तो दे दी गई थी, लेकिन बकाया आधी राशि नहीं देने को लेकर ही जयसी थाने पर गए थे। उसी मामले में थाना प्रभारी और जनपद सदस्य के बीच आपसी विवाद हो गया। आज हम यहाँ पर कानड़ थाने पे आए थे कुछ काम से। हमारे समाज से ही है हमारे जय सिंह जी वकील साहब जो अभी जनपद सदस्य है, आज उनका जमीन का मामले में कुछ बयान था, तो बयान के लिए आज यहाँ थाने पे आए, तो उनके साथ में यहाँ थाना प्रभारी ने बिल्कुल बदतमीजी से उनके साथ पेश आए, चिल्ला चोट करके बात करने लगे, और दोनों पक्ष के सुनने के पहले ही उन्होंने इनके ऊपर डायरेक्ट आरोप लगा दिया कि तुम करणी सेना के गुंडों को लेके यहाँ पर आए हो, और इसलिए करणी सेना एसपी साहब महोदय को ज्ञापन देगी और कानड़ थाना प्रभारी शर्मा मैडम को तत्काल यहाँ से निलंबित करें या यहाँ से ट्रांसफर चाहती है, वरना हम यहाँ पे धरना आंदोलन करेंगे। मेरा आवेदन थाने के में था, मेरा जमीन विवाद चल रहा था एजाज खान से, उसके लिए कानड़ थाने में पेजवाल साहब ने मुझे बयान देने के लिए बुलाया गया। मैंने बयान दर्ज करवाया, बयान दर्ज करवाने के बाद पेजवाल साहब ने फाइल मैडम सामने रखी। मैडम के बाद इसे में गया, मैडम बड़ी बदतमीजी से मुझसे बात करी, कैसे आ गए तुम गुंडे लोग लेके, तुमको 2 महीने का टाइम दिया है, तुमने क्यों नहीं राजीनामा करा, इससे क्यों नहीं करा, इस प्रकार करके उसने बड़ी बदतमीजी करी। मेरे साथ कोई गुंडे लोग नहीं थे, आज हमारा कार्यक्रम था आगर में, वहाँ पर हम जाने वाले थे, स्वागत समारोह रखा था, उसमें जाने वाले थे, तो हम लोगों ने कहा कि एक 2 मिनट रुक जाओ, बयान दे दूँ, पेपर सब साथ चलेंगे, लेकिन यहाँ मैडम ने बड़ी बड़ी बदतमीजी की। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनपद सदस्य 2 बार जीता हुआ हूँ, और अब महिला विकास का अध्यक्ष भी रहा हूँ पूर्व में, लेकिन यहाँ शर्मा मैडम ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मैं दिमाग के तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, और यदि मैं और मेरा परिवार आत्महत्या भी कर ले, उसके जवाबदार यहाँ की टेप थाना प्रभारी मैडम रहेंगे, क्योंकि मैं मानसिक तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो चल रहा हूँ, क्योंकि मैं राजपूत समाज से आता हूँ, मुझे तू तब्बल करके बोला गया मुझे यहाँ थाना प्रभारी के द्वारा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरी जो बेइज्जती की गई है मेरे लोगों के सामने, प्रशासन तत्काल प्रभाव से इन मैडम को हटाया जाए, क्योंकि थाना वैसे भी काला थाना बदनाम हो चुका है, यहाँ हर रोज हर 8वें दिन लोकायुक्त पुलिस आती है, यहाँ रिश्वत ले हर 8वें दिन लोकायुक्त पुलिस पकड़ती है, यहाँ लोगों को पूरा काला थाना बदनाम कर दिया गया है। उसके ऑफिस में ज्ञापन देने आए हैं हमारे करणी सेना के विधि सलाहकार जय सिंह जी गुरासिया और जनपद सदस्य गुरासिया, आज एक मामले में कानड़ थाने गए थे, जहां पर वहां की थाना प्रभारी संगीता शर्मा जी द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार करना और करणी सेना के लोगों को गुंडा कहकर संबोधित किया गया है। अगर उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं होती है तो 12 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम कानड़ थाना घेराव करेंगे। करनी सेना जिंदाबाद, करनी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगर मालवा से ओम प्रकाश सूर्यवंशी की रिपोर्ट।